अस्सलाम वालेकुम एंड हे फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल एंड दोज हु आर न्यू, वेलकम टू माय चैनल। सो अभी मैं पार्लर जा रही हूँ, मेरे आईब्रोज वगैरह सारे बड़े हो गए हैं, कुछ सफाई मुंह का कराएंगे, फेशियल वेशियल कराएंगे, वैक्सिंग। तो मैं आपसे मिलती हूँ थोड़ी देर के बाद। तो मैं अभी सनाज ब्यूटी सैलून में आई हूँ। यहाँ पे मुझे बहुत काम करवाना है अपने ऊपर। तो सबसे पहले मेरा फेशियल था जो कि अभी अच्छे से माशाल्लाह से हो गया। फेशियल मेरा हो गया, अभी ना आईब्रोज बनवाऊंगी, अपर लिप्स, और उसके बाद लास्ट में एक क्रीम लगेगी एक और भी। लेकिन फिलहाल थोड़े थोड़े दाने निकल आएंगे, शायद कुछ देर बाद चले जाएं। लेकिन अच्छा लगा, बहुत मसाज हुआ, बहुत मज़ा आया। और अभी मैनीक्योर पेडीक्योर करवा रही हूँ, उसके लिए सबसे पहले मुझे इन लोगों ने ब्लीच लगा ली हाथों में और पाँव में, जो अच्छे से साफ़ हो जाएं। और ब्लीच के बाद उन लोगों ने मेरे आईब्रोज वगैरह सेट किया। अभी मैनीक्योर और पेडीक्योर जो है वो ज़्यादा हुआ नहीं, सिर्फ ब्लीच की। और आईब्रोज के बाद फिर मेरे पाँव, पूरे नाखून वगैरह साफ़ किए, मसाज किया, बहुत सारे क्रीम्स लगाए। तो मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा था, रिलैक्सिंग लग रहा था, और हर चीज़ मतलब साफ़ हो गई। इतना मज़े का मसाज था। और यहाँ पे मेरी वैक्स वगैरह भी डन हो गई, फेशियल, उसके बाद आईब्रोज, अपर लिप्स और वैक्सिंग कराई, सब कुछ डन हो गया। इट्स टाइम टू गो बैक टू होम। असल में मेरी शादी का जो है वो फुल पैकेज था सैलून में। तो वो ऐसा हुआ कि मेरी दादी गुजर गई, और उसके बाद फिर हमने सोचा कि हम घर पे ही कर देते हैं सिंपल तरीके से निकाह। तो निकाह का 6 तारीख का था, जो कि ऑलरेडी कार्ड्स वगैरह भी छप गए थे। मैं आपको अपना कार्ड भी दिखाती हूँ अभी। और मेरी सारी तैयारियाँ हो गई थी, बैंक्वेट्स वगैरह बुकिंग कर दिए थे मैंने, बस खाना अभी तक नहीं किया था जो कि होने ही वाला था ऑर्डर। उसके अलावा बहुत सारी चीज़ें मतलब डन थी, पर मुझे ना कैंसिल कराना पड़ा मेरा पार्लर का, जो मैं ब्राइडल जो पैकेज था वो कैंसिल करा के सिंपल सर्विसेज लेके आ गई, जैसे फेशियल वगैरह हो गए, मैनीक्योर पेडीक्योर हो गया, और उसके अलावा बैंक्वेट वगैरह भी कैंसिल कर दिए। अभी हम ना बस क्या करेंगे, और कोरोना भी आ गया है, 6 तारीख से सारे हॉल्स वगैरह भी बंद हैं। तो यही मेरे नसीब में था कि सिंपल तरीके से निकाह हो। तो हम घर पे पूरी डेकोरेशन करेंगे अच्छे से, इंशाल्लाह ताला घर पे ही निकाह करेंगे, और खाना वगैरह जो है वो भी हम सिंपल तरीके से ही कर लेंगे। तो इंशाल्लाह हम साथ हैं, मुझे अपने दुआओं में याद रखें मेरे आगे की ज़िंदगी के लिए। और चले मैं आपको अपना कार्ड दिखाती हूँ। ये है मेरी शादी का कार्ड जिस पे नाम नहीं लिखा हुआ कोई भी। इस पे ना ये वाली डिज़ाइन की हुई है, जो कि एक वेलवेट का कपड़ा है, और मुझे ये वाली डिज़ाइन बहुत पसंद आई। ये एक मतलब हाथ लगाने से फील होता है। और यहाँ पे कुछ कार्टून्स वगैरह बने हुए हैं, ये इस पे एक टेक्सचर भी आ रहा था, इसलिए मुझे ये कार्ड बहुत पसंद आया। और उसके अलावा अंदर ये कार्ड मैंने खुद ही चूज़ किया था, क्योंकि मुझे अंदर से भी ये वाला डिज़ाइन बहुत पसंद आया, कुछ सिंधी स्टाइल आ रहा है, अजरक टाइप। और ये था माशाल्लाह से मेरी शादी का कार्ड, जो कि अभी हम घर पे कर रहे हैं, लेकिन कार्ड्स वगैरह तक भी छप गए थे। सो बस जो अल्लाह हमारे नसीब में लिखा है वही होगा, इंशाल्लाह सब कुछ बेहतर हो जाएगा। तो क्योंकि हमने घर पे फैसला कर लिया निकाह करने का, तो इसलिए हमने सोचा कि थोड़ा सा घर पे ही डेकोरेशन वगैरह थोड़ी सी कर लें सिंपल सी, ताकि हम फोटोग्राफ वगैरह जो है वो निकाल देंगे। और इसी वजह से हमने बाहर से कुछ भी नहीं करवाया, घर पे भाइयों के साथ मिलके, इमोन के साथ मिलके ही डेकोरेशन करना शुरू कर दिए। और मेकअप वगैरह सब कुछ जो है हर एक चीज़ मैंने घर पे की है। और ये फ़िलहाल हाफ़ डेकोरेशन जो है वो डन हो गई। उसके बाद मेहंदी भी मुझे वैसे बाहर से लगवानी थी, उसकी बुकिंग भी पूरी की हुई थी, तो वो भी मैंने कैंसिल करके और घर पे खुद ही लगा ली। अम्मी कोन लेके आई थी, और फिर मैंने एक हाथ में फ़िलहाल लगाना शुरू कर दी। और मैं चाह रही थी कि कुछ सिंपल सी मैं डिज़ाइन कर लूँ, कोई ज़्यादा हेवी ना करूँ, क्योंकि सब कुछ सिंपल ही हो रहा था। तो मैंने ये मेहंदी जो है सिग्नेचर मेहंदी है मेरी, जो मैं हमेशा ईद पे लगाती हूँ, तो वही स्टाइल की मेहंदी मैंने यहाँ पे लगा ली। नहीं तो वैसे दुल्हनों वाली मेहंदी जो होती है वो पूरे हाथ भरे हुए होते हैं, तो इंशाल्लाह मैं वो किसी और दिन लगाऊंगी और अच्छे से फिर से मैं एक फ़ोटोशूट करवाऊंगी। ये सिर्फ मेरा निकाह हो रहा था, शादी थी घर पे, तो इसलिए मैंने सिंपल तरीके से सब कुछ किया। और उसके बाद फिर मैंने दूसरे हाथ में मेहंदी भी नहीं लगाई, टाइम नहीं था, इसी दिन ही मेरा निकाह था, इसी दिन ही मैं मेहंदी लगाई। और पीछे अभी तक फूल वगैरह भी नहीं लगे हुए, इमोन और मेरा भाई गया है डेकोरेशन के सामान लेने के लिए। तो मतलब जिस दिन निकाह हो रहा है उसी दिन ही सारी तैयारियाँ हो रही है। कल रात से स्टार्ट किया हमने सब कुछ करना, और आज के दिन निकाह है, तो माशाल्लाह से सब कुछ रेडी हो गया। और मैं भी अभी तैयार हो गई हूँ पूरा, और अभी यहाँ पे मेरा निकाह हो रहा है।
जो कि मैंने कबूल है बोल दिया और अल्लाह का शुक्र हो गया। और यहाँ पे इमोन जो है वो सिग्नेचर वगैरह कर रहा है। और जी हाँ, इमोन के साथ मेरा निकाह हो गया और अम्मी माशाल्लाह से बहुत खुश थी, मेरे बाबा बहुत खुश थे। और यहाँ पे फिर इमोन सबके साथ हाथ मिला रहा है। तो मैंने जो है वो शॉर्ट शॉर्ट क्लिप्स सारे ले लिए थे ताकि मैं आप लोगों के साथ अपनी खुशी जो है वो शेयर कर सकूं। और उसके अलावा इंशाल्लाह जो फ़ोटोशूट वगैरह है वो हम प्रॉपर किसी ना किसी दिन ज़रूर करेंगे। तो माशाल्लाह से मेरा निकाह हो गया है और अल्लाह का लाख लाख शुक्र है, बहुत अच्छे से हो गया। घर पे हुआ, सिंपल तरीके से हुआ, लेकिन अल्लाह का शुक्र है हर चीज़ में। और अभी मेरे भाई जो है वो फ़ोटोज़ निकाल रहे हैं मेरे, तो मैंने सोचा इस बीच में मैं थोड़ी सी क्लिप लगा लूँ अपने यूट्यूब फैमिली के साथ। और मैं घर पे पूरा ही तैयार हुई हूँ, पूरा कुछ भी पार्लर पे नहीं करवाया क्योंकि मुझे मेरी दादी के जाने का बहुत दुख है। उसके साथ हमारा निकाह जो है वो आज लिखा हुआ था, इसलिए आज ही हुआ। और जी इधर फोटोग्राफ्स वगैरह भी चल रहे हैं। दिस इज माय ज्वेलरी, डिटेल में मैं ना एक अच्छे से शॉट ले लूँगी थोड़ी देर के बाद। तो फाइनली मेरी जिससे शादी हुई है वो है इमोन। इमोन कांग्रेचुलेशंस। कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है। अभी तुम्हें मेरी वीडियो में ज्यादा बोलना पड़ेगा। मैं तो आऊंगा ही नहीं वीडियो में, मैं खुद का भी चैनल खोलूंगा। नया चैनल खोलोगे अपना? और ये फरहान हमारी फोटोग्राफी पहली बार आ रहा है ब्लॉग में। फरहान हेलो बोलो। ये है मेरा छोटा भाई, मुझसे छोटा है। और राबिया भी बैठी है। और ये है हमारी ड्रेसिंग मेरा। और ये है इमोन की ड्रेसिंग। इमोन में कैसी लग रही हूँ? अच्छा। वैसे मेरी शादी की जो ड्रेस थी वो यही थी, लेकिन इसके साथ बहुत ही प्यारा सा गरारा टाइप था, बहुत काम किया हुआ था उस पे। लेकिन सिंपल करने के लिए मैंने इसको शलवार के साथ अभी पहन लिया है। ये है हमारी प्यारी सी डेकोरेशन जो हमने पूरी घर पे बैठ के की है। और ये है मेरा छोटा सा भाई अवेश, और फर्स्ट टाइम आया है ये। कैसे हो अवेश, ठीक हो? जी मुबारक नहीं दी तुमने? मुबारक दे दी पहले। अभी बोलो क्या दिखाओ अपना। बोल रहा था मैं शूज पहन के आता हूँ, शूज दिखाओ अपना। तुम शूज के बिना क्यों नहीं आ रहे थे वीडियो में? ऐसे ही। ये एक नया यूट्यूबर है जो जल्दी आने वाला है, इसको भी शौक है यूट्यूब करने का, है ना? वैसे बहुत ज्यादा बोलता है, अभी चुप है। बहुत ज्यादा भूख लगी है और सब खाना खा के चले गए, अभी हम लोग खाना खाएंगे। और आ जाओ बैठो इमोन। तुम्हें भूख लगी? हाँ हाँ भूख लगा है, बहुत भूख लगा है। खाना दो, भूख लगा है, खाना दो। ये है एक सीख कबाब, नान, पराठा, और इसमें क्या है? टिक्का। उसमें है टिक्का। ये मेरे चप्पल भी इधर ही पड़े हैं, चप्पल नहीं हटा रहा किसी ने। तू नज़्म नज़्म सा मेरी होठों पे ठहर जा, मैं ख्वाब ख्वाब सा तेरी आँखों में जागू रे। तू इश्क इश्क सा मेरी रूह में आके बस जा, जिस ओर तेरी शहनाई उस ओर मैं भागू रे। हाथ थाम ले पिया, करते हैं वादा, अब से तू आरज़ू, तू ही है इरादा। मेरा नाम ले पिया, मैं तेरी रुबाई, तेरे ही तो पीछे पीछे बरसात आई, बरसात आई। तू इत्र इत्र सा मेरे, सांसों में बिखर जा। तू इत्र इत्र सा मेरे, सांसों में बिखर जा। मैं फकीर तेरे कुर्बत का,
तुझसे तू मांगू रे, तू इश्क इश्क सा मेरे।